मैं सत्यनारायण सिंह राजपूत एक बार फिर से मेरे चैनल सत्य ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अपने भाई को लेने जो कि हिंदुस्तान से आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक भाई और आने वाला है, क्योंकि वो 16 तारीख को आने वाला था। वो आया दुबई से आया, तो दुबई में आपको पता है 16 तारीख को बहुत भयंकर तरीके से तूफान आया था। इस वजह से वो 16 की जगह 20 तारीख को आया आज, और मैं लेट भी हो गया। अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा क्योंकि फ़्लाइट उसकी 7:30 बजे ही यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन उसका जो सामान है बैग वगैरह वो नहीं पहुंचा उसको। तो वो अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि सामान में कुछ दुबई से लोड करने में कोई दिक्कत आ गई हो। तो अभी वेटिंग कर रहा हूँ मैं। दोस्तों यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। इस वीडियो में कम से कम सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे 2 से 3 हज़ार, और लाइक का टारगेट है 5 हज़ार का। और इस वीडियो के 2 पार्ट बनाऊंगा। अगर वो आता है तो उससे हम उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। वो एज ए सेफ आया है, उसको मैंने पोलैंड बुलाया उसको भी, और वो लिथुआनिया ही जाएगा। जो पिछले वीडियो में जिस भाई को आपने देखा था उसी कंपनी में, अविनाश भाई जो आया था उसके साथ में, वो है सेफ है। वो ये गुजरात से, वो बेंगलोर से था। तो देखते हैं, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, मिलवाता हूँ आपसे। जो भाई 16 तारीख को आने वाला था, आज वो 20 तारीख को आ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 16 तारीख को दुबई में बहुत तेज़ बारिश और तूफान आया था, इसकी वजह से जितनी भी इंटरनेशनल जो फ़्लाइट थी ना, वो सबकी सब कैंसिल हो गई। तो आज ये मेरा तीसरा चक्कर है। मैं 16 तारीख को भी यहाँ से गया उसको एयरपोर्ट पिकअप करने, नहीं आया। उसके बाद 18 तारीख को उसने मुझे बोर्डिंग पास भेजा, फिर भी गया, फिर भी नहीं आया। लेकिन आज जब वो फ़्लाइट में बैठा, उसके बाद मैंने बोला भैया यार, जब तुम पहुँच जाओ ना वहाँ पर, उसके बाद ही मुझे मैसेज करना, तभी मैं लेने आ पाऊँगा। क्योंकि मैंने 3-4 दिन उसके पीछे ख़राब किए, आने जाने का टिकट ख़राब हुआ, मेरा टाइम बर्बाद हुआ। अभी देखो दोस्तों यार, आप लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ या क्या बताऊँ मैं आपको। आप लोगों को लगता है वहाँ इंडिया में जब होते हो तो आप सोचते हो कि यार वहाँ हम जाएंगे विदेश में तो हमें कोई ना कोई इंडियन मिल जाएगा, हमारे ऐसे हेल्प करेंगे। जैसे आप सोचते हो ना, वैसा होता नहीं है यहाँ पर। ये तो मैं ही एक ऐसा इकलौता बंदा हूँ शायद जो आप लोगों को पिकअप भी करता हूँ, जितनी भी होती है मुझसे हेल्प भी कर देता हूँ। और जिन भाइयों को अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों यार, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, दिन और रात में 24 घंटे से ज़्यादा मेरे पास, मेरे को सोना भी होता है, मुझे ड्यूटी भी करनी होती है, मुझे मेरा काम भी करना होता है। और जितनी भी आप लोगों से बातें हो सकती है उतनी मैं बातें करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं टाइम कैसे दूँ आपको, ये खुद सोचो आप यार। क्योंकि यहाँ टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। और आज मेरी शक्ल पे शायद 12 बजे हुए होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑफिस से डायरेक्ट ऐसे ही उठा, डायरेक्ट आ गया। उसने मुझे 1:30 बजे मैसेज किया कि मैं प्लेन में बैठ गया, तुरंत मैं आया, कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, जैसा था वैसा के वैसा ही आ गया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें उसके साथ क्या क्या घटना हुई दुबई में, कैसे कैसे वो यहाँ पहुँचा, उसकी कहानी सुनते हैं। और ये देख लो, मैं अभी बस स्टैंड पे ही हूँ, हमारी बस आने वाली है 4:40 बजे। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। 10,000 का मेरा टारगेट था, आपने पूरा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है यार। मुझे मोटिवेशन दोगे तभी तो यार मैं आप लोगों के लिए इतना करूँगा। क्योंकि देखो, मेरे इतने कोई बड़े यूट्यूबर जैसा नहीं है कि भैया महीने के मेरे कोई 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये यूट्यूब से ही आते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, बाकी कुछ नहीं बताता, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि भैया यूट्यूब मुझे बहुत पैसे भेज रहा है, इतने मेरे कोई मिलियन में व्यू आ रहे हैं, या मेरे 10-15 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहो कि बहुत सारा पैसा देता है यूट्यूब किसी को कुछ नहीं देता। ये सिर्फ एक मोटिवेशन होता है, अगर आप मुझे दोगे तो मैं भी उसके बदले में आपके लिए कुछ करूँगा, और वो कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो यार। तो इतना तो हक आपका बनता है जितना मेरा बनता है, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हर वीडियो, मतलब जितने भी बंदे आप देखते हो ना दोस्तों यार, तो सब्सक्राइब तो किया करो यार। यार मैं बस से उतर चुका हूँ अभी, देख लो दोस्तों यार, बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मैं यहाँ ऐसी की तैसी करवा रहा हूँ, देख लो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अभी बंद हुई है, अभी मैं करता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कैब। और फिर हम जाते हैं अपने भाई को लेने के लिए। ये है यहाँ का रास्ता नज़ारा,
बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंड मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। तो लेके चलते हैं आपको एयरपोर्ट पे, और इस वीडियो के दो पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत लंबा हो गया था, अभी मैं एक दूसरा बनाऊंगा। हमारी कैब आ रही है, यहाँ पास में ही है कहीं पे, अभी 2 मिनट में आ जाएगी। देख लो दोस्तों यार, आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे, मैं मेरा पूरा ईमानदारी से मेरा फ़र्ज निभाता हूँ, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों यार देख सकते हो, ठीक है, टैक्सी वाला नहीं आया और मैं ही सामने से जा रहा हूँ। शायद आपको दिख जाए, यहाँ पे होना चाहिए एस्कोडा की फेविया। I 5735। क्या गुंडा बनेगा ये खड़ी अपनी छनिया। 5735 चलते हैं बैठ के अपने जहाज में। एयरपोर्ट। तो भाई को लेने के लिए हम निकल चुके हैं बस स्टैंड से एयरपोर्ट की तरफ। ये रहा बस स्टैंड जा रहे हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यार एंड तक देखना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो 5-10 मिनट मेरे लिए खर्च कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, देख सकते हो। अभी देख लो दोस्तों यार, आप लोगों के लिए मुझे आधी रात को भी भटकना पड़ता है, मेरे जैसे कोई भटकता है क्या? अगर कोई भटकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और देखो दोस्त, दूसरी चीज़ मेरे मुझे यार देखो यार वो नहीं आती है, क्या? एडिटिंग, मुझे एडिटिंग नहीं आती है यार, सबसे बड़ी दिक्कत ये है मेरी। मैं जैसे बनाता हूँ वैसे अपलोड कर देता हूँ, तो उसमें यार ऐसे कमेंट में ऐसा मत लिखना यार कि भैया ऐसा है ऐसा है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, जो भी है ओरिजिनलिटी ही अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था ऊपर जम्मू जेट दिखा दूँ और नीचे मेट्रो ट्रेन दिखा दूँ, ठीक है, वो नहीं दिखा सकता मैं। जो भी है मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है ना वही बता सकता हूँ, वही दिखा सकता हूँ। तो अभी ढूंढते हैं अपने भाई साहब को, जो जिनका नाम नितिन है, जो गुजरात से आए हैं वो भी। उन लोगों को दोस्तों टाइम लगेगा, क्योंकि उनका जो लगेज है वो दुबई से 4-5 दिन हो गए हैं तो खो गया है, तो वो लोग एप्लीकेशन देने गए हैं अंदर। मैंने अभी कॉल किया तो बोला अभी हमें टाइम लगेगा, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, तब तक मेरे लाल लड्डू लग जाएंगे।